लो जी माशाल्लाह साडा मज़ेदार ते वीआईपी ते प्यारा प्यारा बाकी माशाल्लाह जो साडा हलवा है ना अद्धा पद्धा तैयार हो गया ते हुण असीं ना इत्थे आ गए ते है तो सही बालन लब्भा सानू इत्थों करदिया कंडियां वाला ते है ये भी सारा ए सारा गिल्ला ए बलन वाला तो लगदा नहीं पिया बलन वाला कोई नहीं बहरहाल बह जाइए मो फिर जिवें भी हाँ बंदा धुआं छुआं ला के चलो हाथ सिकदा ही रह जाता है की करिए एक सर्दी बहुत है सर्दी है तो बालन का मसला है तेरी टेंशन अल्लाह खैर कर सी अल्लाह मालिक है फिर तेरी टेंशन है एक बालन दे की करिए जिंदगी मुश्किल है खाली ये नसर दी हां जी अल्लाह आसानियां पैदा कर सी अल्लाह करम करेगा बाकी फिलहाल बिल्कुल गिल्ला है तेरे को हां जग दे आने विच रल मिल के एक ठंडी हवा चली खाली है तो देखो बहुत पीपल होता है बहुत ज्यादा देखो हां सर्दी बनी के लिए बहुत ज़्यादा तो ठंडी हवा पता नहीं है मुश्किल कदों खत्म होगी कंडे भी बहुत हैं तो गिल्ला भी है कंडे भी हैं तो गिल्ला ही बहुत बिल्कुल समझ गया कोई हाल नहीं बनया खड़ा एक कंडे इन्ने हाथों च लगते हैं हाँ इन्ना क टुकी के लग गया है ले जाने दो डंग हो जावे ने दो चार डंग हाँ किसी बंदा कोई बल लाए के भाग जाए हूँ किन्ना क मिलना उन्ना क ला के जाना एक खास बंदा डर डर के लेंगे सर्दी हाथ ही नहीं है आंदा बंदा हाथ डर डर के लावे बड़ा मजबूरियां हैं कड़े बंदा निकल पाता है इन्हें सर्दियों के बच्चे तो कोई बंद को चार आने होंगे तो बंदा चलो मुल ला लेता कोई थोड़ी बहुत सुखी लकड़ी सूरज निकल आया हाँ निकलता है थोड़ा बहुत अल्लाह करे मुंह दिखाया दिखाया था सुना किने आने बाद देख मुंह दिखाया ए हम सूरज निकले ना धूप निकले ना हां जी ये अपन जो आप का कमरा है अम्मा वाला हां जी अम्मा वाले कमरे दा कोई आप हाल सोच ली हां बंदा वो जो है ना अम्मा वाला कमरा ये अपना ना बनाइए कोई नहीं हाल है उस कमरे दा हुन तो हां अम्मी जान दा कमरा जो है जरूरी है बहुत जरूरी क्योंकि अम्मी जान हम सुनते हैं तो बहुत मैंने डर बने रहा है मैं तो अम्मा ने सौ बार आखिया इधर कमरे साइ फिर करी आप चलो किसी बंद ने राती है तो डर ना ना हो की आंदा पे है थोड़ा बहुत कि होर ही खड़ा को तो बंद नहीं लगता कि कमरे च हो गया क्योंकि दीवार है कमजोर तो किसी टाइम ही डेग सकती मैं तो सही पूछ बहुत रात डर लगता है ਅੰਮੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੋਈ ਧੁੱਪਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਡੇਗ ਦੇਈਏ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੀਵਾਰ ਡੇਗ ਦੇਈਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪਲਸਰ ਪਲਸਰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਧੁੱਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ छत भी खराब होनी है कान अगे बन्ने त्रुटे छत कोई नहीं होनी
ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਛੱਤ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈਨੇ ਆ, ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੇ ਨੇ ਕਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਛੱਪਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। हाँ छप्पर बन जावे ना तो बड़ा, क्यों गर्मी दे वेचे ना कमरे तो बविंदा नहीं है, तो मैं दे दे नाल छप्पर बनया होवे इधरली साइड ते, चलो धुप दे आले पास मुंह इधे हो जाना। ये तो सूरज हुण गर्मिया दे वेसा अग लगे करना। उत्तो आपने छोटा जे बेबी भी होना है। हाँ पता नहीं उसका किवें गुजारा होना एडी गर्मी दे वेच। एक चक्कर लग जाता ना, किवें एक चक्कर लग जाता पता लग जावे अभी की हिसाब किताब है। हां जी अल्लाह बेहतर कर सी। जी ते अल्हम्दुलिल्लाह जो बालन ने असी लाए के आ गया से घर, ते हुन असी ना एक मेन जो रेसिपी है ना वो पकान लगे हैं। बहुत दिनों तो ना मैं शौक कीता होया हुंदा भी असी पकाइए, ते अज हिम्मत कर ही लईए पकान दी। ते गाजरां जो है ना गाजरां लै आंदियां उत्थों, ते आ सगली मैं दो किलो लै आंदी, ते बेगम जो है ना छिलदी पई है गाजरां ते इन्हां दिनां मूली कश वगैरह करके ना, ते जो हिसाब किताब होया हलवा बनाने लग्या गाजरां दा, तमाम भैन भाइयों नाल नाल रहना है। मुकम्मल जो रेसिपी ने तमाम भैन भाइयों नाल शेयर करांगे। जिन्नी जल्दी की असी उन्नी लेट हो गई हैगी, ते इशा होने वाली है ते टाइम होया खड़ा है। तो असं भी ना मियाँ बीवी दोवें जने हिम्मत मारी हैगी गाजर की खटाई वगैरह करके, उन्होंने बहुत बरीक कर करके ना असर गाजर काफ़ी हम टाइम बहुत लग गया। पहले छिलाई की बेगम छिली गई, उन्होंने तो मैं खटाई की गया, तो मेरा टाइम ही नहीं लगे बिच वीडियो पर। बाकी हम असी माशाल्लाह जो है ना उत्ते सगली रख दी हैगी, तो है देखो इन गाजर पूरी हांडी फुल हो चुकी है इस टाइम त, अग बाली है। तो अग बाल के ना हूँ इन्हों पानी पूनी तो घ्यो वगैरह जो है ना पा पो के असी माशाल्लाह तैयार करते पे। तो मेरा होर कोई नहीं, मैं सिर्फ शौक आ गाजर के हलवे खाण का, मैं हर बारी मैं रह जाना गाजर के हलवे तो हर बारी रह जाना। तो इस बारी मैं क्या मैं आपका शौक पूरा करना ही करना है। आई तो चीनी की कम, लेकिन फिर भी रोटियां असी कोई नहीं पकाइया शाम दियाँ, क्योंकि राशन आटा कोई नहीं आया, इस वजह तो असं आखिर चलो हलवा बना लेने तो फिर अल्लाह सारेगा कि ना कि अल्लाह तला देगा, तो इन शलो काम के जो है ना राशन वगैरह ही लवी जाएगा। बाकी बन जाता जिम्मे जिम्मे रेसिपी तैयार होंगी ना तमाम भैन भाइयों शेयर करते जावे। तो मैं नाल अग बालता पाया गिला बालन इनकी, क्यों फूक वगैरह मार मूर के ना बहुत मुश्किल अग बालनी होंगी है। तो कमरा दो नाल देखो फुल हो चुके इस टाइम साढ़ा हाले हूँ ही शुरू किया है। तो बाकी ठीक है नाल ना रहना ते रेसिपी मुकम्मल देखना। बाकी माशाल्लाह देखो गाजरां जो है ना उबाले खा रही है ते गलदियां पी, बस गलन ते टाइम लगना है इन्हें, ते उस बाद जो है ना मदना मुदना मार के ना इन्हें ते काम फिट हो जाने माशाल्लाह। मैं आग बाल रहा बाकी माशाल्लाह हुण ना चीनी का टाइम आ गया, ते चीनी पै रही है ते गाजर भी ना कोई अद्धिया पद्धिया तो गल गया ना ना। हाँ ते अच्छा इन गाजर तो वेख लो ये अद्धा गिलास पानी तो पाया है, पाइया एक सिर्फ, ते बाकी वेख लो माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। बाकी माशाल्लाह जो साडा हलवा है ना अद्धा पद्धा तैयार हो गया, तो हुण इन्हां गोटने वाले इन्हों गोटते पाँ, तो पानी नाल नाल ही सुकता जाता, पानी खुश्क हो गया ना तो मुकम्मल तैयार हो जाएगा माशाल्लाह। तो बाकी दोने बेगम साहब का बुरा हाल कर दिता, नाल नाल रोंदी भी पई तो गोटना ही मर दी। मैं ट्राई करा मैं ट्राई करना दोवों, तो फिर उन्हें अग ही मुझ गई मेरी, एक तो मैनू अग नहीं सह लैन दी, मैं की करा। लो जी माशाल्लाह साडा मज़ेदार ते VIP
ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਲਵਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਇਹਸਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮੀ ਖਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਖਾਏਗੀ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਸਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦੀ ਕਾਫੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਲੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਸਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ VIP ਹਲਵਾ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਚਮਚੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਵਾ ਚਮਚੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਹਲਵਾ। ਹਲਵਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਮਾਮ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।